आप बड़े ध्यान से समझिएगा और इसे सीखिएगा कि मैरिज कैसे यूज होता है। ठीक है, एक सेकेंड, मैं टूल ले लेता हूं। गुड इवनिंग सर अरे गुड इवनिंग रेखा जी, कैसे हैं? जी। अच्छी हो सर। चलिए, आपने मैरिज तो मेरे ख्याल किया था शायद कोर्स। सर मैंने इनरोल किया था पर है ना मैं नेपाल गई हुई थी ना अच्छा, कोई बात नहीं, मेरा वो। रिवीजन कर लेना, फ्री है, रिवीजन कर लेना आराम हाँ से। जी हाँ जी सर। ठीक है, चलो अब डेमो स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसा होता है, वेदी के अंदर देयर आर टू प्लैनेट्स। एक होता है आपका वीनस, दूसरा होता है आपका जुपिटर। वीनस फॉर मेल एंड जुपिटर फॉर फीमेल। नाड़ी के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैं दोनों कॉन्सेप्ट से, तीन चीजों से मेरे को ये कोर्स आप लोगों को पढ़ाना है। पहले ये पॉइंट क्लियर कर देता हूं, देन आई लेट यू नो द थिंग्स। नाड़ी कहती है वीनस फॉर मेल, सेकंड मार्स फॉर हस्बैंड, ये फीमेल के लिए है। मार्स फॉर हस्बैंड, ये साउंड आ रहा है अच्छा नहीं लगता, बंद कर लीजिए, वीडियो की रिकॉर्डिंग में दिक्कत आएगा। हम जो इस कोर्स में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एक तो क्या है, एस्ट्रोलॉजिकली वैदिक से पढ़ेंगे, नंबर एक। नंबर दो, हम लोग जो पढ़ेंगे वो नाड़ी से भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। नंबर तीन, हम इसमें वास्तु भी मैंने डाला है उससे भी समझेंगे। कैसे समझेंगे, एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं बताता हूं। वास्तु के भी आपकी दशा भी ठीक है, दशा आपका पॉजिटिव आ गई, ट्रांजिट भी आपका पॉजिटिव आ गया, फिर भी कह रहे हैं जी बुटिया की शादी नहीं हो रही, व्हाट इज द रीजन? तो वी आर डूइंग द रेमेडी फॉर द डॉटर कि भाई उसकी शादी नहीं हो रहा है, तो कुछ नहीं है, बिटिया कहीं गलती से साउथ वेस्ट में तो नहीं सो रही? अगर साउथ वेस्ट में सो रही है, उसको शिफ्ट करेंगे नॉर्थ वेस्ट में। बिटिया को शिफ्ट करेंगे हम लोग नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होती है वो स्टेबिलिटी की होती है, और लड़कियों के लिए शादी के लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फेवरेबल होती है, फेवरेबल होती है, तो ये एक वजह भी है। तो इसलिए मैंने इसमें ना वास्तु को भी ऐड किया है। कुछ चीजें हम लोग फालतू की रेमेडी किए जा रहे हैं, छोटी सी चीज ध्यान ही नहीं दे रहे कहां पर वास्तु डिफेक्ट भी आया हुआ है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि वैदिक अकॉर्डिंग क्या होता है, वीनस जो होता है फॉर मेल के चार्ट में वीनस को देखा जाता है, और वैदिक के अंदर जुपिटर को जो है मेल के लिए देखा जाता है। नाड़ी के अंदर क्या होता है, मेल के लिए वीनस देखा जाता है ताकि उसे फीमेल मिले कैसी, और फीमेल के लिए मार्स देखा जाता है कि उनको पति कैसा। अब होता क्या है कि हम ये देखेंगे कि सबसे पहला हमारा जो चैप्टर आएगा, टाइमिंग ऑफ मैरिज, कि मैरिज होगा कब, टाइमिंग ऑफ मैरिज आएगा, यानी हमारी मैरिज कब होगी। सबसे पहले हमें दशा देखनी होती है, अगर दशा है तो शादी होगी ना, जब दशा ही नहीं है तो शादी कहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो दशा किसकी होनी चाहिए, कौन कौन से कारक बताए थे अभी मैंने, वीनस, जुपिटर, ठीक है, मार्स, ये कारक बताए थे, और क्या है दूसरा, क्या है, राहु भी शादी कराता है। कारक ग्रह की दशा है, अंतर दशा है, प्रत्यंतर दशा है, ट्रांजिट आ रहा है तो शादी होगी, ऐसा थोड़ी है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब आप ध्यान से एक छोटी सी चीज समझिए कि राहु की दशा है, ठीक है, ये शादी कराने वाला प्लेनेट कहा गया है, क्यों कहा गया है, राहु मींस डिजायर,
आपकी इच्छाओं की पूर्ति राहु से होती है। वट एवर यू हैव अ डिजायर, किसी भी फील्ड में आपकी डिजायर है उसको रिप्रेजेंट राहु करता है। बात क्लियर, सिंपल सी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दशा पर आ रहे थे। दशा क्या है? या तो सेवंथ लॉर्ड की दशा, देखो बड़े ध्यान से समझे, सेवंथ लॉर्ड की दशा हो, सेवंथ राशि के स्वामी की दशा हो। एक तो सेवंथ लॉर्ड क्या, एक ही बात हो जाती है। मान लीजिए यहां कोई ग्रह मंगल बैठा है तो ये भी शादी का कारक हो गया। राशि लॉर्ड, देखिए सेवंथ लॉर्ड का मैं अच्छे से चाह रहा हूं थोड़ा बताऊं आपको, मेरा थोड़ा ये रहता है कि डेमो में ही आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहां पर सेवंथ लॉर्ड हुआ वीनस, ठीक है, वीनस की दशा आ गई तो शादी हो जाएगी। अगर मान लीजिए यह मंगल बैठा है तो मंगल की दशा आने पर शादी होगी, ठीक है। मान लीजिए यहां पर शनि बैठा है, शनि का जब भी रिलेशन मैरिज के, शनि का रिलेशन मैं अच्छे से और सिखा देता हूं, शनि का रिलेशन सेवंथ लॉर्ड से हो जाए या सेवंथ पर एस्पेक्ट आ जाए, ठीक है, या सेवंथ लॉर्ड पर एस्पेक्ट आ जाए, यानी सेवंथ लॉर्ड का मतलब होता है कंजक्शन, मैंने कहा है ऊपर, सेवन लॉर्ड पर एस्पेक्ट आ जाए तो डिले ऑफ मैरिज होता है। सिंपल सी बात है, सेवंथ हाउस से जब भी शनि का रिलेशन होगा इट क्रिएट्स डिले इन द मैरिज। बहुत सिंपल है, कहीं बुद्धि नहीं लगाना अपने को, ठीक है। अब मान लीजिए सेवंथ लॉर्ड का स्वामी कौन है, शुक्रदेव है, तो शुक्र मान लीजिए सूर्य के नक्षत्र कृतिका में बैठे हैं, तो इसका मतलब सूर्य का भी लिंक हो गया ना सेवंथ लॉर्ड से, तो सूर्य की दशा आएगी तब भी शादी होगी। देखो मैंने आपको राशि लॉर्ड कनेक्शन बताया, ठीक है, प्लेनेट बैठा वो बताया, पहले राशि बताया, फिर मंगल ग्रह बैठा उसके बारे में बताया, तीसरा स्टेप आता है नक्षत्र रिलेशन। अगर सेवंथ लॉर्ड का स्वामी सूर्य के नक्षत्र में बैठा है तो सूर्य भी जो है आपका कनेक्शन में आ गया। सिंपल सी बात क्लियर हो गई, कहीं कोई डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं D9 पे भी। ये तो अभी हमने D1 को समझा, अब D9 के सेवंथ हाउस में मान लीजिए कोई ग्रह बैठा है, कोई भी ग्रह बिठा लीजिए, चाहे राहु बिठा लीजिए, चाहे आप बृहस्पति बिठा लीजिए, जो भी ग्रह D9 के सेवंथ हाउस में बैठा है वो भी शादी कराएगा उस ग्रह की दशा आने पर। सिंपल, मान लीजिए D1 के अंदर सेवंथ हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा, नील लेवा पर सेवंथ हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अरे बाबा कुछ नहीं है, D9 के सेवंथ हाउस में देखो वहां पर कौन सा ग्रह बैठा है, तो जोन सा ग्रह बैठा है शादी करा देगा। अच्छा एक और अच्छी टेक्निक बताता हूं, D9 में मान लीजिए मंगल बैठा है लगन में, बाकी भूल जाइए क्या लिखा है यहाँ पे, क्या वो राशियां लिखी हैं भूल जाइए, और D1 में कोई ग्रह नहीं बैठा, राइट, सेवंथ हाउस में, क्लियर हो गया आपको, और यहां पे भी सेवंथ हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा D9, लेकिन मंगल का एस्पेक्ट आ रहा है D9 में, सेवंथ हाउस पर मंगल की दृष्टि आ रही है, अब ये मंगल शादी करा सकता है क्योंकि उसका सेवंथ हाउस से कनेक्शन हुआ। क्लियर हुआ, D9 तो वैसे भी हम शादी के लिए देखते हैं, बात समझ आया, सिंपल सा। अब आपको D1 में हाउसेस बताते हैं, विच हाउसेस आर टू बी कंसिडर्ड फॉर द मैरिज। वो हाउसेस हैं 2nd, 5th, 7th, 8th और 12th, ये हाउसेस हैं जो मैरिज कराते हैं, क्लियर है। कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं लॉजिकली, सेकंड हाउस क्यों, सेकंड हाउस इज योर फैमिली, आप अभी बैचलर हैं, जब शादी हो जाएगी बच्चे होंगे तो आप फैमिली की तरफ जा रहे हैं, दिस इज योर फैमिली। फिफ्थ हाउस आपका लव अफेयर हो सकता है, आप लव मैरिज की तरफ जा सकते हैं, दैट इज योर फिफ्थ हाउस। सेकंड हाउस क्या हुआ, फैमिली।
सेवेंथ हाउस क्या होता है? योर स्पाउस. एट्थ हाउस क्या होता है? स्त्री का मांगल्य स्थान अर्थात उसका सुहाग. एट्थ हाउस. ट्वेल्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस का मतलब होता है बेडरूम. नंबर एक. नंबर दो, एक अच्छी बात बता देता हूं. एट्थ एंड ट्वेल्थ हाउस इज योर सेक्स लाइफ, योर बेडरूम. क्लियर? सो ये हाउसेस जो हैं आपके कौन कौन से, सेकेंड, फिफ्थ, सेवंथ, एट्थ और ट्वेल्थ, इन हाउसेस में सॉरी बैठे ग्रह, देखने वाले ग्रह, इन हाउसेस के स्वामी ग्रह मैरिज करा सकते हैं. आई रिपीट इट अगेन फॉर यू, इन हाउसेस के लॉर्ड शादी करा सकते हैं, इन हाउसेस में बैठे हुए ग्रह भी शादी करा सकते हैं. क्लियर है? छोटी छोटी सी चीजें, बाकी डिटेल तो हम क्लास में ही पढ़ लेंगे आराम से, लेकिन थोड़ा सा तो यहाँ पे समझ आए. मान लीजिए कुछ कर पाए या ना कर पाए वो अलग बात है. चलिए अब अगली बात आती है हमारी, ट्रांजिट्स बताते हैं. ये मैंने दशा बताया, नाउ वी आर कमिंग अप टू द ट्रांजिट. मान लीजिए आपका कहीं पे भी शुक्र बैठा है, मान लीजिए हमने नाइन्थ हाउस में शुक्र बिठा दिया. क्लियर? ट्रांजिट में सैटर्न आया, सैटर्न इज अ टी लिख रहा हूं, टी फॉर ट्रांजिट. उसने देख लिया, शनि महाराज ने कहा मैं तेरी शादी करा दूंगा बट मैं 2.5 साल लूंगा. क्लियर हो गए? अब जुपिटर आ गए, जुपिटर ने भी देख लिया. जुपिटर ने कहा महाराज मैं तुम्हारी जो है ना शादी 13 महीने में करा दूंगा. ठीक है, याद रखना धरती पर एस्ट्रोलॉजी के अंदर बिना शनि और जुपिटर के ना तो शादी हो सकती है, ना बच्चा पैदा हो सकता है, ना जीवन में तरक्की हो सकती है. ये बात बुद्धि में आप बिठा लीजिए. इसको डबल ट्रांजिट भी बोलते हैं. जब भी ये दो प्लैनेट, इन एडिशन ऑफ मैरिज मैं बता रहा हूं, जब भी ये दो प्लैनेट किसी भी हाउस को देखेंगे उस हाउस को एक्टिवेट कर देंगे, 110% उस हाउस से रिलेटेड आपको रिजल्ट मिलेंगे. क्योंकि इन्होंने कारक को देख लिया, वीनस इज द कारक फॉर मैरिज, सैटर्न एंड जुपिटर, तो ये शादी करा कर रहेंगे. बात क्लियर हो गया? अब हम एक नाड़ी का भी बता देते हैं. मान लीजिए मंगल यहां है, जुपिटर यहां ट्रांजिट में आया, मंगल को देख लिया, तो मंगल लड़की के लिए पति का कारक होता है, पति है, शादी करा देगा 13 महीने में. क्लियर है? सिंपल सी बात है, ये नाड़ी के अकॉर्डिंग भी है. मंगल को देख लिया, अभी पहले मैंने वैदिक बताया था, ठीक है, वो बताने से आपको पता लग रहा है, अदरवाइज मैं सीधा कह दूं जुपिटर को मंगल ने देख लिया शादी हो जाएगी, बट यू गेट कंफ्यूज लिटिल बिट. हाउ मार सर? क्योंकि हमें तो सिर्फ वीनस और जुपिटर का पता है. ये वी और मार्स कहां से आ गया? मार्स नाड़ी के अकॉर्डिंग आया. ठीक है, तो इस तरह से होता है. जब भी बृहस्पति मंगल को या शुक्र को देख रहा हो कुंडली पे तो टाइमली मैरिज वैसे ही हो जाती है. अगर पाप प्रभाव नहीं है, किस पर नहीं है? कारक ग्रह पर. कौन कौन से कारक ग्रह होते हैं? वीनस, जुपिटर और मंगल, तीन निकाल लिए ना हमने. नाड़ी ये कहती है वीनस फीमेल है, मार्स मेल है, और जुपिटर को कहते हैं रिलेशनशिप इन द नाड़ी. देख दे सेट के फीमेल का रिलेशन होगा मेल से, इसको बोलते हैं रिलेशनशिप, जबकि हमारे यहाँ वैदिक में पति का कारक होता है. ठीक है, ये छोटी सी चीज है, बाकी डिटेल में तो मैं क्लास में अच्छे से बताई दूंगा. अब हम कई बार पूछते हैं जी हमारी शादी किस डायरेक्शन में होगी. इफ सेवंथ लॉर्ड, देयर आर 1000 things आर देयर. सपोज आपका जो है सेवंथ लॉर्ड वीनस बैठा है आपका 10th हाउस में, शुक्र यहां बैठ गया. अब ये 10 नंबर की राशि की दिशा कौन सी है? राशि की दिशा, राशि की दिशा है दक्षिण, तो आपको दक्षिण दिशा से कन्या प्राप्त हो सकती है. देयर आर 1000 aspects. अगर मैलिफिक एफ्लेक्ट आ गया, अब इस शुक्र पर मान लो बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव हो गया, जो शक्तिशाली ग्रह होगा तो उसकी भी दिशा हो सकती है, जरूरी नहीं है राशि की. एक रूल ये भी है, एक रूल ये भी है,
कि मान लीजिए इसको शनि देख रहा है और शनि ताकतवर होके बैठा है, तो शनि फिर अपनी दिशा से कन्या को लाएगा, पश्चिम दिशा होगी शनि की। तो ग्रह का भी प्रभाव है, अगर कोई ग्रह नहीं देख रहा फिर तो आप कंफर्म कह दीजिए शुक्र को कोई भी ग्रह नहीं देख रहा, तो आप कह दीजिए दक्षिण दिशा से कन्या आएगी, आप उससे शादी कीजिए। ठीक है, सिंपल सा। फिर आपके पास आता है दूसरा पॉइंट, क्या आता है? इंटरकास्ट मैरिज। सबसे आसान टॉपिक है ये, 1 मिनट में खत्म होता है इंटरकास्ट मैरिज, ये ना 1 मिनट में खत्म हो जाता है। यहीं से मैं बता देता हूं, बहुत से लोग सीख जाएंगे। देखिए, वीनस कारक होता है, मार्स होता है और जुपिटर होता है। जब भी ये राहु केतु के एस्पेक्ट या एक्सेस में आ जाएंगे, इंटरकास्ट मैरिज, सिंपल सी बात। वीनस, मार्स एंड जुपिटर हैविंग रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए किसी का वीनस है और साथ में राहु है, तो इंटरकास्ट मैरिज। दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए हमने वीनस को यहां बिठा दिया और यहां पर राहु बिठा दिया, राहु देख रहा है ना, इसे एस्पेक्ट आ गया, 9th एस्पेक्ट से देख रहा है, तो पॉसिबिलिटीज ऑफ इंटरकास्ट मैरिज। एंड समवन से कि सर लव मैरिज क्या है, लव मैरिज के लिए भी यही फार्मूला फिट बैठता है, और भी बहुत सारे फार्मूले हैं बट लव मैरिज के लिए भी ये फार्मूला चलता है, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज के लिए भी यही फार्मूला अप्लाई चल जाता है और लव मैरिज के लिए भी ये चल जाता है। बात क्लियर हो गया? छोटा सा पॉइंट था ये, बहुत सिंपल, और जो भी इसकी टेक्निक है मैं क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आता है एज डिफरेंस क्या होगा। किसी की भी कुंडली में शनि का संबंध 7th हाउस में आ जाए तो एज डिफरेंस कर देता तगड़े वाला, कम से कम 5 से 7 साल एज का डिफरेंस कर देता, कई बार ज्यादा भी कर देता। जैसे मान लीजिए यहां का लॉर्ड हुआ, 7th का लॉर्ड कौन हुआ, वीनस। ठीक है, वीनस के साथ मान लीजिए शनि बैठ गए, ठीक है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ये कंजक्शन हो गया, तो जो है आपको एज डिफरेंट ज्यादा मिलेगा शादी में। क्लियर, सिंपल सी बात है। दूसरा एक और अच्छी टेक्निक बताता हूं, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, थोड़ा बिजी हूं। देखिए, मैंने ये सिखाया था जेमिनी के अंदर, इफ वीनस इज आत्मकार का, वीनस इज आत्मकार का हाईएस्ट इन द डिग्री से 27 डिग्री वीनस इन द बर्थ चार्ट, किसी मेल की कुंडली में, जिनको जेमिनी नहीं आती उनको साधारण भाषा में समझा रहा हूं, जिनको आती है उनके लिए आत्मकारक लिख दिया। वीनस मान लीजिए कुंडली में हाईएस्ट डिग्री पर है किसी मेल के चार्ट में, तो हो सकता है उसको जो वाइफ मिले वो चाहे 1 दिन बड़ी हो या 2 दिन बड़ी हो या 6 महीना बड़ी हो या 1 साल बड़ी हो या 4 साल बड़ी हो, चांसेस आर वेरी हाई टू गेट अ मैरी विद अ गर्ल हु इज ओल्डर देन टू अ मैन। सेकेंडली, वन इज नक्षत्रा थ्योरी, अ पर्सन इज बोर्न इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्रा, पूर्व भाद्रपद, मान लीजिए किसी आदमी का जन्म, किसी जातक का जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, तो उसको भी अपने से बड़ी उम्र की कन्या मिल सकती है, ये भी एक नक्षत्र की है। अब आप, हम लोग कई बार ये पूछते हैं जी मेरे स्पाउस का नेचर कैसा होगा, हम लोग पूछते हैं ना। अब मान लीजिए 7th हाउस में मंगल बैठा है या 4th हाउस से मंगल 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है 90 डिग्री से, व्हाट डज इट मीन, योर स्पाउस मस्ट बी एन एग्रेसिव नेचर विद एंग्री मैन। क्लियर, चाहे मेल हो या फीमेल, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ स्पाउस। इफ मार्स इज एस्पेक्टिंग और सिटिंग इन द 7th हाउस, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इफ जुपिटर इज देयर इन केस ऑफ मार्स, वो क्या होगा कि आपका जो स्पाउस होगा, मेल या फीमेल हूसोएवर इज, वो आपका धार्मिक धर्म के प्रति उसका रुझान, ठीक है, उसकी तरफ उसका डायवर्शन हो सकता है। क्लियर है?
अब किसी के चंद्रमा है फीमेल के चार्ट में, चांसेस मैंने अभी तक जितनी कुंडलियों में देखा अभी तक पॉजिटिव है, हो सकता है कोई नई चीज भी मुझे मिले, वो रूट कर एक बार मायके जरूर जाती है। इफ सेवंथ हाउस में किसी भी फीमेल चार्ट के, आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल चार्ट के मून है, तो चांसेस आर देयर कि वो रूट के मायके चली जाए। ठीक है, अब आपको एक अच्छी चीज बताते हैं D9 की। ठीक है, D9 का लगना लॉर्ड, मान लीजिए यही D9 है और ये लगना लॉर्ड हुआ मंगल, मंगल अपनी राशि में उच्च का होके बैठा है, ठीक है, या मित्र राशि में बैठा है, बेसिकली तो केंद्र को कंसिडर करें, ट्राइन सेकेंडरी रखें, फर्स्ट कंसिडरेशन ऑफ क्वाड्रेंट, सेकेंडली ट्राइन, पहले आप केंद्र भाव पर ध्यान केंद्रित करें, आपको अच्छी सुशील कन्या मिलेगी। क्या मैंने बोला, रिपीट कर रहा हूं, D9 का लगना लॉर्ड या तो अपनी राशि में या मित्र राशि में या उच्च का हो तो आपको सुशील कन्या मिलेगी, गुणी कन्या मिलेगी, या शुभ ग्रह देख रहे हो, शुभ ग्रह तो आपको पता ही है, बृहस्पति शुक्र चंद्र बुध, तब भी आपको सुशील कन्या मिलेगी। क्लियर है? अच्छा, अब आगे चलते हैं। आपको एक और अच्छी चीज तो बताने में भूल ही गया, अब आपका D1 चार्ट है, ठीक है, सेवंथ लॉर्ड कौन है, वीनस, अगर वीनस लगन में बैठ जाए, इसको पता क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं रिश्ता खुद ब खुद चल के आता है घर पे। मैंने ये एग्जांपल दिए वीनस का, किसी का कोई भी लगन हो सकता बाबा, सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द लग्न, तो क्या होगा, रिश्ता खुद ब खुद चल के आपके घर पर आएगा, हमको आपकी बेटी पसंद है या हमको आपको बेटा पसंद है। और दूसरे एंगल में आजकल तो लव का फंडा ज्यादा है, तो जो भी बॉय है या गर्ल है, डायरेक्टली प्रपोज टू द पर्सन, विल यू मैरी मी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, चाहे लड़की हो या लड़का, सीधा सब फायर आएगा, सिंपल सा, विल यू मैरी मी, लव के अंदर। और नॉन लव केसेस में रिश्ता घर पर चल के आएगा। इज इट वेरी क्लियर टू यू? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। अब आगे आते हैं हम लोग, कोई कहता है अभी मेरे जीवन में क्या तरक्की हो गई, ठीक है। अगर आपका भाग्येश, नाइन्थ लॉर्ड कौन है, जुपिटर सिटिंग इन द सेवंथ हाउस, अगर कोई मेरे पास ऐसी एक कुंडली आई थी 15 दिन पहले, बोले सर मेरा कैरियर कब बनेगा, मैंने कहा भैया शादी कर फटाफट, कैरियर गया हरिद्वार, बिकॉज यूर नाइन्थ लॉर्ड सिटिंग इन द सेवंथ हाउस, तो जैसे ही आपका सेवंथ लॉर्ड एक्टिवेट कब होगा, वेन यू विल गेट मैरी, जब आपकी शादी हो जाएगी, तभी तो सेवंथ हाउस एक्टिवेट हो गया ना आपका, एक्टिवेट होते ही उसमें नाइन्थ लॉर्ड बैठा है जो कि भाग्य का मालिक, आपका भाग्य चल पड़ेगा, आपका भाग्य चल पड़ेगा शादी करते ही, तो भैया शादी पर ध्यान दे, भाग्य पर नहीं दे, अपने कैरियर पर मत दे, शादी पर ध्यान दे, जैसे ही शादी हुई तेरा कैरियर बन गया, ठीक है। अब एक और पॉइंट भी आता है इसमें, इफ योर नाइन्थ लॉर्ड सिटिंग इन द लग्न से जुपिटर सिटिंग इन द लग्न, द सेम केस विल हैपन, फर्स्ट यू गो फॉर मैरिज, यार कैरियर तेरा जैसे ही मैरिज होगी वो अपने आप रॉकेट की तरह ऊपर उठेगा, सिंपल सी बात है। एक सबसे बड़ा आता है कि हम लोग मैच मेकिंग करते हैं, इसमें मैंने कुछ एक टेक्निक निकाली है, ठीक है, वो अच्छे से समझाऊंगा। जैसे 36 में से हम लोग 34 गुण है, 32 गुण है, 30 गुण है, 29 गुण है मिल रहे हैं जी, शादी कर लो। अब मान लीजिए इसमें सबसे बड़ा रोल होता है बुकुट का, जिसके 7 पॉइंट होते हैं, नाड़ी के 8 पॉइंट होते हैं, यानी 15 पॉइंट तो इन्हीं के ही हो गए। क्लियर है? मैं आपको ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा कि आप ये कहते हो जी 16 गुण मिलते हैं, शादी नहीं करनी चाहिए, सिंपल सी मैनुअल कैलकुलेशन होती है कि आप कर सकते हैं, वो सिखाऊंगा। बुकुट का अर्थ होता है लेन देन,
नाड़ी का दोष क्या आएगा मैं बताता हूँ। नाड़ी का क्या होता है कि हमारा जो गोत्र है, अगर सेम गोत्र में शादी नहीं होती, सात ऋषियों के अकॉर्डिंग जो होता है हमारा गोत्र डिवाइड होता है। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर क्या करेगा, लड़का पैदा हुआ है रोहिणी नक्षत्र में और लड़की भी पैदा हो गई रोहिणी नक्षत्र में, तो सॉफ्टवेयर डिनाइड कर देगा कि भाई ये शादी नहीं हो सकती। मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा, शादी हो सकती है, खुशहाल शादी होगी, दे विल बी हैप्पी। यहां वहम क्या डाला जाता है कि आपको संतान में दिक्कत आएगी, आपकी संतान में कोई ना कोई दोष कैरी होगा, ये होता है, वो सॉफ्टवेयर ये लिखा हुआ देगा। बट मैं आपको दिखा सकता हूं, मेरी क्लास में भी कुछ लोगों ने हामी भरी थी, हाँ जी सेम में शादी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे भी हैं। ये एक सीक्रेट फार्मूला है, आई विल रिवेल ओनली इन द क्लास, कि अगर सेम भी है तब भी शादी होगी। क्लियर है? सॉरी, सेम राशि हो ना, कई बार डिनाई हो जाता है, सेम राशि हो, ठीक है, अगर उनका नक्षत्र डिफरेंट है शादी हो जाएगी। एक और अच्छी बात बताता हूं, क्या अच्छी बात, कि लड़की का मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठा है, ठीक है, चंद्रमा यहां बैठा है, इसका स्वामी कौन हुआ, राशि स्वामी का मंगल। अब लड़के का चंद्रमा धनु राशि का है तो स्वामी कौन हुआ, बृहस्पति। क्लियर? दोनों मित्र ग्रह है ना, अच्छी पटेगी मेरी बीबी, दोनों राशि लॉर्ड्स आर द फ्रेंड्स ना, हमने राशि से उनके स्वामियों की मित्रता भी देखनी है। तो भाई साहब मान लीजिए एक लड़की का बैठा है चंद्रमा यहां पर मेष राशि हो गई, और लड़के का है चंद्रमा यहां मकर राशि हो गई, मंगल और शनि में शत्रुता है, नहीं बनेगी भाई साहब आपकी, काय को दिमाग का दही कर रहे हो। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, यहाँ तो मैं तो मोटा मोटा ही आप लोगों से कुछ शेयर कर सकता हूँ, क्लास में डेप्थ में शेयर कर सकता हूँ आपसे, ठीक है ना। हमारा जो बेसिकली है वो मैंने अभी बताया, सात, फिर से अच्छे से बता रहा हूँ, सात ऋषि का होता है, सात ऋषियों में 27 नक्षत्र का डिवीजन हो जाता है, जहां से हमारा गोत्र बनता है, सेम होने पर शादी डिनाई हो जाती है, सेम होने पर शादी ना बोल देता है सॉफ्टवेयर, लेकिन सेम होने पर भी शादी होती है, वो आपको टेक्निक सिखानी है और भुकुट का मीनिंग भी सिखाना है। क्लियर है? अब आपको एक अच्छी सी चीज बताते हैं। क्या होता है कि एक अच्छा सा पॉइंट, चलो मैं बता ही देता हूं, मेल का मतलब, मेल चार्ट के अंदर जैसे मार्स होता है मेल, फीमेल के लिए होता है वीनस, मार्स का मतलब होता है डिजायर मैरिज में, इसका मतलब होता है वीनस का फुलफिलमेंट। हम लोग सब कुछ देखते हैं, अगर हमने मार्स और वीनस का रिलेशन ढंग से नहीं देखा तो उनकी बेडरूम लाइफ बेड़ा गर्क है, ये याद रखना। मैंने यहां डिमांड और सप्लाई लिखा है, डिजायर यानी डिमांड, वीनस मींस फुलफिलमेंट यानी सप्लाई, अगर इनका रिलेशन ठीक नहीं है तो मैरिज ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। क्लियर है? दीज टू प्लैनेट मार्स एंड वीनस क्रिएट फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आज के कलयुग में। जो लोग इग्नोर कर रहे हैं भैया, हरिद्वार जाओ, गंगा की डुबकी लगाओ, ठीक है,
फिर मैं आपको चीज टेक्निक सिखाऊंगा सूर्य से सोल रिलेशनशिप, सोल का रिलेशनशिप क्या है, आत्मीय रिलेशनशिप, ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर ये है तो भाई साहब इसमें सब चीजें जीरो हो जाती हैं, डिजायर वगैरह, सप्लाई डिमांड, क्योंकि एक सोल रिलेशनशिप आ गया, ये बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब एक और अच्छी चीज बता देता हूं। मंगल और शुक्र किसी की शादी मतलब किसी की कुंडली में इकट्ठे हैं तो नाड़ी बोलती है सात जन्मों का साथ, सात जन्मों का साथ, यानी पति को जो पत्नी मिलेगी वो पूर्व जन्म की होगी, ठीक है, और पत्नी को जो पति मिलेगा वो पूर्व जन्म का होगा। मंगल और शुक्र को बोला जाता है सात जन्मों का साथ, ठीक है। किसी का भी शुक्र के साथ केतु बैठा है, दिस इज एज पर द नाड़ी आई एम टेलिंग यू, भैया शादी कर क्यों रहा है, कर ले शादी उसके बाद कोर्ट कचहरी चला जाना। शुक्र को जो है परेशान करता है, केतु क्या है, धर्म है बाबा। दूसरा केतु का नाम होता है ब्रेक करना, तोड़ना, केतु का गुण धर्म तो तोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है, तो हमें बड़े ध्यान से समझना है उसको। फिर एक योग नाड़ी में आता है, मंगल शनि और केतु, नाड़ी कहती है इसको लंगोट योग, भैया संन्यास योग है, क्लियर हो गया, ये संन्यास योग है। ठीक है, अब एक और अच्छी चीज आपको शेयर कर देता हूं, इधर इसमें इसी में शेयर कर देता हूं, चलो किसी को कुछ फायदा तो हो, कम से कम एक सेकंड मैं यहां पर आपको दे रहा हूं, आ गया। ठीक है, अब आप यहां पर देखो, मेरे दिमाग में आ गया, लेट मी शेयर D1 एंड D9, देयर आर टू चार्ट, दिस इज लग्ना लॉर्ड इज मार्स, दिस इज 7 नंबर, लग्ना लॉर्ड इज वीनस, बोथ आर सिटिंग इन D1, मार्स एंड वीनस ओवर हियर। भाई साहब इस आदमी को शादी नहीं करनी चाहिए, जबकि आपको दिख रहा है पूर्व जन्म का पति फलाना ढिंकाना, नहीं, कारण व्हेनेवर D1 लॉर्ड लग्न लॉर्ड असेंडेंट लॉर्ड एज वेल एज द D9 असेंडेंट लॉर्ड सिट टुगेदर इन द D1, भगवान ने उसे समाज के लिए चुना है, वो सामाजिक कार्य करेगा, शादी नहीं करेगा। तो किसी लड़के की कुंडली में देख लें तो बिटिया की शादी नहीं करें। D1 लग्न लॉर्ड, D9 लग्न लॉर्ड, बोथ आर सिटिंग इन द D1, द पर्सन इज बोर्न टू सर्व द सोसाइटी नॉट फॉर द मैरिज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आराम से चलते हैं, कोई जल्दी नहीं है। अब हमें क्या होता है शादी में, एक और अच्छी चीज हमें देखते हैं, अभी फेरे क्या होने चाहिए, फेरे का क्या होना, फेरे हमेशा फिक्स लगन में होने चाहिए। हमारा फिक्स लगन क्या है, 2, 5, 8, 11, इसी में ही फेरे होने चाहिए, क्योंकि मैरिज कोई आलू प्याज की सब्जी नहीं है, दोबारा बन जाएगी। ठीक है, लाइफ टाइम है, तो आपको फिक्स में ही शादी करनी है हर हाल में। और रीमैरिज क्या होता है, रीमैरिज के लिए जो होता है वो ड्यूल साइन देखे जाते हैं, 9 यानी 3, 6, 9, 12 साइन। इफ एनीवन हैविंग स्पेशली इन द 7th हाउस, सपोज यहां पर 12 नंबर राशि है और 7th लॉर्ड यहां पर बैठा हुआ है, मान लीजिए वीनस है, शुक्र बैठ गया, तो ये अंदेशा दे रहा है दोबारा शादी, या D9 के अंदर 7th लॉर्ड मान लीजिए 3 नंबर राशि में बैठ गया, शुक्र है यहाँ का और शुक्र यहाँ आके बैठ गया 3 नंबर यानी ड्यूल साइन में बैठ गया, द पॉसिबिलिटीज इज देयर द पर्सन मे गो फॉर सेकंड मैरिज। ठीक, दूसरी बात, द पर्सन हु इज बोर्न इन पुनर्वसु नक्षत्रा, सेकंड मैरिज का चांस है भाई, सेकंड मैरिज, क्यों, पुनर्वसु मीन्स रिपीट, so the marriage could be repeated,
ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बात क्लियर? फिर आता है कि भाई जैसे मेरी बीबी रूट के मायके चली गई, कब आएगी जी? वो टेक्निक्स मैं आपको बड़े सरल तरीके से, अच्छे तरीके से सिखा दूंगा, इस दिन आ जाएगी। फिर एक होता है कि वो लोग कहते हैं ना, खोया हुआ प्यार पाएं, टूटा हुआ प्यार पाएं, तो वो एक टेक्निक है ट्रांजिट ऑफ प्लेनेट की, वो आपको क्लास में मैं शेयर करूंगा कि आपका अगर ऐसे ट्रांजिट में ब्रेकअप हुआ है जो पॉजिटिव नहीं था, यानी नेगेटिव था, जैसे ही ये ट्रांजिट पॉजिटिव में बदलेगा, आपका जो ब्रेकअप हुआ है वो वापस रीज्वाइन कर देंगे। वो टेक्निक भी सिखाई जाएगी, जिसे वो कहते हैं ना, खोया प्यार पाए 24 घंटे में, वो तो सब बाजीगिरी है, वो तो होता कुछ है नहीं। ठीक है, अब आता है हमारा एक और पॉइंट आता है कि डिले मैरिज के अंदर शनि का रोल है, ये सब लोग याद रख लें। सैटर्न का रोल होता है, मान लीजिए D1 चार्ट के अंदर शनि का कोई रोल नहीं था, लेकिन D9 में लगना में शनि बैठा है तो रोल आ गया ना, इट इज एक्सपेक्टिंग द 7th हाउस। ठीक है, बात क्लियर हुआ आपको बड़े आराम से। अब आते हैं अट्रैक्शन क्या होता है, मैंने बताया, फिर अच्छे से बता देता हूं। लड़का और लड़की में जो अट्रैक्शन होता है ना, मंगल यहां बैठा है साथ में शुक्र बैठा है, ये अट्रैक्शन शो करता है। मान लीजिए मंगल के ट्राइन में शुक्र बैठा है त्रिकोण में, हमेशा ये जो त्रिकोण होता है हमारा, ये विश्व और केंद्र जो होता है, ये एक हमारे राज्यों को क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये एक अट्रैक्शन पैदा करेगा, जब भी मंगल के त्रिकोण में शुक्र होगा वो आपके अंदर, उसको कहते हैं ना पहली नजर का प्यार, फिजिकल अट्रैक्शन, पहली नजर का प्यार, वो मंगल और शुक्र से होता है। और वही चीज मैं अच्छे से सिखाता हूं कि ये पहली नजर का प्यार जो है गड़बड़ तो नहीं कर देगा। ठीक है, गड़बड़ कब हो जाएगी, मैं बीच में अगर केतु को रखूंगा, अब ये प्यार नहीं चल पाएगा। अगर मान लीजिए केतु को नहीं रखा मैंने फॉर द टाइमिंग, चंद्रमा यहां रखा है, फिजिकल अट्रैक्शन तो हो गया, लेकिन चंद्रमा बैठा है तो एस पर नाड़ी बदनामी हो जाएगी। क्यों? एस पर द नाड़ी, मून इज द कारका फॉर लोन, मून इज द कारका फॉर कैश एंड लिक्विडिटी। आप पर ब्लेमिश वाली थ्योरी आ जाएगी, सो वन शुड टेक केयर। ठीक है, इस चीज को हमें समझना है। अब आप देखो ये 7th लॉर्ड है, यहां पर हमने बाई चांस कोई, आप कुंडली छोड़ दीजिए, इसके आगे हमने राहु बिठा दिया, इधर हमने सूर्य बिठा दिया, तो ये पाप कत्री योग बन गया। पाप कत्री योग में शादी सुख नहीं है, खिटपिट होगी। दूसरा, देर इज नो सेक्स लाइफ, जीरो, सिंपल बात, कहीं दिमाग नहीं लगाना पाप कत्री योग में। अब यहां, अब मान लीजिए 7th लॉर्ड मेरा यहां आके बैठ गया शुक्र, यहां लगन में सूर्य बैठा है, यहां शनि बैठा, फिर पाप कत्री योग। क्यों? 7th लॉर्ड इज इन द पाप कत्री योग, सिंपल सी बात है, सुखी नहीं है भैया तेरे को, क्यों जबरदस्ती शादी करा भैया। फिर हम लोग शादी करते हुए ये नहीं देखते, सपोज सूर्य इज 17 डिग्री एंड वीनस शुक्र का जो है मान लीजिए 16 डिग्री का है, तो ये तो डीप कंबस्ट हो गया बाबा, उसके शक्राणु कम हो सकते हैं। क्यों शादी कर रहे हो उस लड़के से, अपनी बिटिया की? यू शुड आल्सो चेक द डिग्री ऑफ सन एंड वीनस, इफ दे आर वेरी क्लोज इन डिग्री डोंट मैरी टू डेट बॉय। अभी शादी में दिक्कत, फिर बच्चे के लिए दिक्कत, वहां धक्के खाते रहो, उपाय करते रहो, ऐसे थोड़ी करना है। हमको तो अच्छे से सोचना और देखना, कई पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, जबकि एक राज योग है, विडो योगा भी मैं सिखाऊंगा क्लास में। 7th लॉर्ड सिटिंग इन द 4th हाउस, शुक्र यहां बैठे है, इट गिव्स अ राज योगा, बट द पर्सन विल गेट डाइट,
गया वो दुनिया से, विदुर योग हो जाता है ये। एक बड़ी अच्छी टेक्निक शेयर करके दे रहा हूं, गिफ्ट शुक्र लगन में है, शनि और चंद्रमा सेवंथ हाउस में है, द पर्सन विल मैरिड टू अ विडो लेडी, दिस इज अ टेक्निक, द पर्सन विल मैरिड टू अ विडो लेडी, वीनस सिटिंग इन द लग्न, Saturn and Moon sitting in the seventh house. The person will get married to a widow lady. If anyone having Shukra or Chandrama कहीं पे भी कुंडली में इकट्ठे बैठे हो, इसको नाड़ी बोलती है सास बहू का झगड़ा। सास बहू का झगड़ा, किसी लड़की की कुंडली हो, मेंटली प्रिपेयर हो जाए भाई साहब कि तेरा वहां झगड़ा होने ही होना है ससुराल में, सो बी प्रिपेयर। लड़के की कुंडली में जब उसकी शादी होगी तो उसकी जो वाइफ आएगी उसकी मम्मी के साथ झगड़ा होना है, चाहे मेल का चार्ट हो या फीमेल का चार्ट हो। शुक्र और मंगल इकट्ठे बैठे हैं, सास बहू का झगड़ा है। छोटी सी बात आराम से समझी जा सकती है, कुछ नाड़ी की टेक्निक भी मैंने इसमें डाल दी है ताकि कोर्स को ज्यादा अच्छे से निखारा जा सके, ज्यादा अच्छे से इजीली समझा जा सके। अब ये D1 चार्ट है, ये D9 चार्ट है, मैं ये सिखाता हूं, ये असेंडेंट है D9 का, यहाँ शनि बैठा है। भाई साहब आप ससुराल में जाएंगे तो आपको घी की सब्जी मिलेगी, शाही पनीर नहीं मिलेगा। कहने का अर्थ है ससुराल में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, बी प्रिपेयर। D9 के लगन में शनि भगवान बैठे हैं तो ससुराल में रिस्पेक्ट नहीं मिला करती, लड़की हो या चाहे लड़का हो, मेंटली प्रिपेयर रहे भाई। जब है नहीं काय को दिमाग का दही कर रहे हो यार, तुम्हारी कुंडली में लिखा ही ऐसा है, ठीक है। अब ये चीज है, हमारा 11th हाउस D1 का, ये हमारा होता है डिजायर का, और ये हाउस मैरिज के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का होता है, मैरिटल अफेयर्स का होता है। क्लियर हुआ? सिंपल सी बात है, डिजायर का घर है ना, तो ये बात है। अब एक चीज देखो, अब मान लीजिए सेवेंथ लॉर्ड ले लीजिए, वो 6, 8, 12 में बैठा है, द पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज मैरिज मैरिड लाइफ, वो कहीं बाहर नंबर बीट तो डायल करेगा बाबा। सेवेंथ लॉर्ड इन 6, 8, 12 इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज प्रेजेंट मैरिड लाइफ, पॉसिबिलिटीज आर देयर कि भाई हाँ कि मैं जो है शादी करूंगा, ठीक है। कई बार शुक्र के साथ राहु होता है, ये भी सीक्रेट लव अफेयर को शो करता है, लव अफेयर सीक्रेट रूप में, ठीक है, मैरिज से पहले और मैरिज के बाद भी, बाद भी जरूरी नहीं है। क्योंकि देखो मैंने शुक्र राहु का ये क्या सिखाया आपको अभी थोड़ी देर पहले, मैंने इसका मीनिंग बताया, देखो तीसरा मीनिंग भी आज आपको पता लगा। पहला लगा इंटरकास्ट मैरिज, यही बताया था ना इंटरकास्ट, दूसरा बोला लव अफेयर, यही कॉम्बिनेशन लव अफेयर देगा और यही कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे देगा, तो जरूरी नहीं है, बात होती है लेकिन कब देगा, अगर दशा ही नहीं आ रही इस जन्म में तो नहीं होगा भैया ढंग से। अगर अंतर दशा आ रही है तब चांसेस आर देयर, लेकिन कैसे चांसेस आर देयर, कि वहां पर ट्रांजिट भी तो फेवरेबल होना चाहिए ना, अगर ट्रांजिट फेवरेबल नहीं है तो भी दिक्कत है ना, अगर ट्रांजिट फेवरेबल है तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। बात क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अब मैं इसको रोक रहा हूं, किसी को कुछ पूछना हो तो मेरे को बता देना। एक और चीज मैं बताना चाह रहा था, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए कोर्स फीस रह जाएगा आपका इसका 2111 रहेगा,
क्लासेस इसकी जो होंगी वो 9:30 से 10:30 PM रहेंगी, ठीक है। डेली क्लास रहेगा, डेली का मतलब मंडे टू फ्राइडे। और जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, मेरी थोड़ी एक हॉबी है कि मैं हर क्लास को नए तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूं। यानी ये आपको हल्की सी चीजें बताई हैं, व्हेन यू विल ज्वाइन अ क्लास ना, तब आपको असली वाली चीजें पता लगेंगी कि क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या हम समझ रहे हैं। कब कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे मेरी शादी हुई ना मैं बर्बाद हो गया, बोलते हैं ना, आई विल शेयर दैट टेक्निक आल्सो, दैट इज अ नाड़ी टेक्निक। वन इज नाड़ी टेक्निक, अनदर इज अ लाल किताब टेक्निक। लाल किताब में क्या है, तबाही मचा देता है अगर दूसरे घर में शनि हो, वो तबाही मचा देगा फेरे होते ही। ये लाल किताब की टेक्निक है, सिंपल सी। नाड़ी की अलग टेक्निक होती है। वो लोग बोलते हैं ना, जब से मेरी शादी हुई है ना मेरी वाइफ पनौती है, या मेरी वाइफ जो है वो नेगेटिविटी को पता नहीं कैसे पैर लेकर आई है। सो आई शेयर दैट टेक्निक आल्सो। वो नाड़ी के अंदर है, वैदिक में बड़ी मेहनत लगती है, तो बहुत सारी नाड़ी की टेक्निक मैं सिखाऊंगा। नाड़ी का तो खैर मैं अभी 15 दिन बाद कोर्स लेकर के आऊंगा, एक बेसिक कम एडवांस वाला, दोनों ही कर दूंगा। पहले मैंने सोचा मैं बेसिक बनाऊंगा, नहीं, अब मैंने सोचा है बेसिक कम एडवांस कर दूंगा, कम से कम वो कुछ कर तो सके, बेनिफिट आ सके। किसी को कुछ ना समझ में आया, ही कैन रेज ए क्वेश्चन। हाँ जी, मैं अनम्यूट कर देता हूं। हाँ जी, रेखा जी अनम्यूट करके देखिए, हो रहे हैं? हेलो सर। हाँ सर, हाँ हो गए। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ। सुब्रतो जी, हाँ सर, मैंने क्वेश्चन किया था, अगर किसी का D1 या D9 में 7th हाउस में केतु रहेगा तो क्या होगा सर? शादी काय को करना है, पूछ रहा हूँ क्यों करना है। आपको जो इच्छा इस जन्म में पूरी नहीं होगी। मैं दूसरे एक दो मीनिंग है, दो क्या कई मीनिंग होते हैं केतु के, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन से बता रहा हूँ। केतु ने 7th हाउस में ये बताया, पूर्व जन्म में आपने शादी का पूरा सुख भोग चुके हो, इस जन्म में पीछे हट जाओ। ओके, बात क्लियर है अभी? ये D1 या D9 ऑफ धर्मा, केतु इज द कारका ऑफ धर्मा, बी द पार्टनर ऑफ धर्मा, 7th हाउस इज द हाउस ऑफ पार्टनरशिप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सुब्रतो जी? मैं कह रहा हूं ये D1 या D9 जहां पर भी होगा उसी में ये एप्लीकेबल होगा। हां जी, ओके ओके। हां जी आनंद जी बोलिए। सर अगर 8th हाउस में राहु है, सर आपकी आवाज मंगल, सर आपका साउंड का दिक्कत है, रिपीट करिएगा सर। अभी आ रही है सर, प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए सर, अब आप बोलिए। 8th में राहु है और 12th में मंगल है, तो उसमें चांसेस है क्या इंटरकास्ट के? हाँ चांसेस इंटरकास्ट के, रिलेशन बन गया ना, नाड़ी का रिलेशन बन गया। ओके ओके सर, थैंक यू। एस्पेक्ट भी, एस्पेक्ट आ रहा है ना राहु का मंगल का। हाँ कपिल बेटे। सर नमस्ते। नमस्कार मेरा बेटा। सर मैं सिर्फ इतना सा कंफ्यूजन में हूँ, जैसे सर आपने बोला 2, 5, 7, 8, 12 इनमें काफी सारे अगर ग्रह बैठे हो, तो फिर मान लो कोई क्लाइंट या कोई हो तो सर हम कैसे डिनाई करेंगे कि कौन से टाइम पे मैरिज होगी सर? अरे वाह, कितना अच्छा और कितना इजी क्वेश्चन पूछा यार, टफ पूछता मजा भी आता। भैया इनमें से जिसकी दशा आएगी शादी तो उसी में ही होगी ना, सबकी सारी दशाएं आ जाएंगी, जिसकी दशा आएगी उसी में तो शादी होगी। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सेकंड हाउस आपका, एक्चुअली मैं ना सर आपके, आप बिल्कुल राइट हो, एक मेरे जानकारी है उनके 5 साल से ना इतनी सारे यही चीजों में कॉम्बिनेशन बना हुआ है, बट मैरिज हो ही नहीं पा रही, दशा आती है। देखो वहां पर केतु का रोल होगा, शादी नहीं होने देना। अच्छा, वो कैंसर की तरह काट रहा है, बैठ जाए ना तो बंदे को खुदकुशी ना करे तो अच्छा है। ऐसे बड़े बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, मैं डेमो में थोड़ा सारा डिस्क्लोज कर दूंगा, आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है? शनि का रिलेशन जब भी आ जाएगा वो डिले ऑफ मैरिज करेगा, डिले कर देगा, ठीक है ना?
तो वो चीज है, मैंने लंगोट योग सिखाया आपको, नाड़ी का लंगोट वाला योग, शनि मंगल केतु, शनि मंगल केतु चेक करो वो उसकी कुंडली में है, जब वो योग है उसकी कुंडली में तो शादी तो होनी नहीं, चाहे 501 उपाय करवा लो उससे। बिल्कुल सर। सर एक चीज मुझे पांड्या जी रेज अ क्वेश्चन सर, D10 है उसके अंदर गुरु केतु सातवें घर में साथ में रहेंगे तो? नहीं समझा नहीं। D10 का क्या लेना देना यहाँ पर? नहीं मैं खाली पूछ रहा हूँ, ऐसा कि D10 भी देखते हैं? नहीं 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 इसमें नहीं देखते, इसमें D1 और D9 होगी, D10 से कोई रिलेशन नहीं होता। अच्छा तो D10 से प्रेडिक्ट होता है कि नहीं? नहीं इसका कहीं नहीं, वो प्रोफेशन का है, प्रोफेशन के लिए प्रेडिक्शन होता है। प्रोफेशन हाँ, किस क्या राशि क्या बताई थी D10 में? D10 में समझो कि फॉर एग्जांपल लग्न में 10-20 राशि है और चार नंबर पे नहीं, अब आपने लग्न बोल दिया ना, पहले आपका लाइन दूसरा था, पहले आपने बोला मैं इसीलिए चेक नहीं, आपने पूछा इसके लिए मैंने बताया। अरे भगवान मेरा खाली एक ही प्रश्न था, मेरा एक ही प्रश्न था कि गुरु केतु साथ में है कर्क राशि में तो क्या हो सकता है? देखो गुरु केतु जहां भी कुंडली में बैठे होते हैं वो पूर्व जन्म का तपस्वी होता है वो जातक, नंबर एक। अच्छा, ऐसे आदमी को ज्योतिष का ही प्रोफेशन करने से धर्म से जुड़े, क्योंकि केतु इज द कारका ऑफ धर्म, जुपिटर इज आल्सो कारका ऑफ धर्म, राइट? अच्छा, दोनों धर्म के कारक है और कर्क राशि में बैठे हैं तो धर्म से ही जुड़ा हुआ कार्य करने में सफलता मिलेगी और किसी कार्य में नहीं मिलेगी। और वैसे भी किसी की भी कुंडली में, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, जिसे डाउट हो राम जी की कुंडली चेक करे, क्या कर्क राशि में उच्च का बृहस्पति लग्न में हो, लग्न कुंडली में हो, चाहे D9 में, भाई जब धक्के खाने का योग है, राय योग नहीं है ये, राम जी को देख लो। हाँ रेखा जी बोलिए। सर अगर D9 में किसी के सेवेंथ हाउस में गुरु और केतु हो तो, और है ना क्या बोलते हैं टॉरस साइन में हो तो ऐसा होगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, आपने तो मेरे से कोर्स किया हुआ है, मैंने आपको टेक्निक अलग अलग टाइप में नमांशा कोर्स में भी सिखाई है और उसमें भी मैंने एक टेक्निक सिखाई है, वो यहाँ नहीं बोलूंगा। शादी पहली अच्छी चलेगी कुछ साल शुरू के, हाँ सर याद, सर याद आ गया। बाद में क्या होना है, दोनों एक माला ले लेंगे, एक हरिद्वार में बैठ जाएगा। अच्छा समझ गए, वो टेक्निक मैंने सिखाई हुई है, इस कोर्स में भी मैंने बताया, एक तो हरिद्वार बैठ जाएगा और एक घर में माला लेके बैठ जाएगा, क्योंकि दोनों धार्मिक ग्रह नमांशा में आ गए। हाँ सर गई बहस, नॉट गुड फॉर मैरिज नो देन, ना 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 ना। मैंने आपको देखो पहली बार क्लास में डेमो मैंने थोड़ा सा इस बार अच्छे से समझाया। देखो आपको शादी के लिए वीनस और मार्स पर ज्यादा ध्यान देना है, मार्स इज अ डिमांड एंड वीनस इज अ सप्लाई, व्हेन हस्बैंड हैज अ डिमांड द वाइफ शुड से यस। तो जहां आजकल मैरिज गड़बड़ हो रही है वो यही 80% कारक है। मैं अच्छे से सिखाता हूँ, आठवां और बारहवां भाव जो होता है वो आपका बेडरूम होता है, बारहवें के साथ आठवां भी होता है क्योंकि वो भी मांगल्य स्थान है स्त्री का। और याद रखिए मंगल चौथे घर में, सॉरी सेवंथ हाउस में और आठवें घर में मंगल महाशुभ होता है शादी के लिए, महाशुभ। आठवें घर में मंगल आ गया तो मांगल्य, चाहे पति का या पत्नी का, स्पाउस का, मार्का हो गया सेवंथ हाउस के लिए मंगल, और सेवंथ हाउस इटसेल्फ अ मार्का प्लेस, सातवां घर मारक स्थान होता है कुछ लग्नों में, वो बाधक पति भी हुआ तो दो भावों का मालिक बन गया, बाधक पति भी और मारक भी, तो भाई साहब वो किसी एक की जिंदगी निपटा देगा। तो सातवें और आठवें में मंगल महाअशुभ होता है। किसी और प्रभु का प्रश्न है सर? सर अशुभ बोला कि शुभ बोला आपने? अशुभ बोला मेरे भगवान, मुखमंडल तो दिखा दो मयूर जी, पैसे नहीं मांगूंगा आपसे, उधार नहीं मांगूंगा। अरे सर ड्राइव कर रहा हूँ। अच्छा फिर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा हर चीज हल्के में लेता हूँ, टेक इट इजी। सर मैंने गुड़ सुना। हेलो हेलो, हाँ सर पूजा बोल रही हूँ, जय श्री कृष्णा। अरे जय श्री कृष्णा, बोलिए पूजा जी। सर मेरा एक
भाई है वो 40 साल का हो गया, तो हाँ? उसके सेवंथ हाउस में बुध है, सूर्य और राहु है, तो शादी का योग है कि नहीं है उसके? नहीं नहीं, सिर्फ डी वन से कैसे आप कह सकते हैं? डी वन में है सर, और डी नाइन में तो सेवंथ में कुछ नहीं है। सुन लो, उसको ये कुंडली श्रापित है। हाँ। उसका जन्म देने के लिए हुआ है, पाने के लिए नहीं हुआ, इच्छा प्राप्ति के लिए उसका जन्म नहीं हुआ। आप देख लो उसके नेचर में, ढूंढो जो मैंने इशारा समझाया। हाँ। है ना उसके नेचर में। बस तो फिर बात खत्म, बाकी फिर हमें डी नाइन एनालाइज करना पड़ेगा। एक लड़की थी, उसकी कुंडली में इसी से मिलते जुलता कॉम्बिनेशन था, 42 की थी, 42 की होगी, कुछ शक्ल नहीं, कुछ नहीं, जीरो स्मार्टनेस। ठीक, मैंने बोला जिस दिन तेरी शादी होगी यू हैव टू मूव फॉरेन और हमेशा के लिए वहां की सिटीजन। कैलिफोर्निया में उसकी शादी हुई, हमेशा के लिए अमेरिकन होगी। ये देखो 42 की एज में जाए शादी हुई, दिस इज अ रियलिटी। एक सबसे अच्छी आज मैं बात शेयर करना चाहूंगा, राजीव कौशिक जी ने मुझे डंडा दिया कि सर आप जो है वो कोर्स बनाइए रेमेडी का। ठीक, मेरा रेमेडी का कोर्स शायद इस वीक कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट परमात्मा ने चाहा, क्योंकि मैं उसको ज्यादा बड़ा कर रहा हूं। मुझे नहीं लग रहा वो 5 क्लास में खत्म होगा, मुझे 7 क्लास में करना पड़ेगा। और मैं सबसे अच्छी बात तारीफ करना चाहूंगा, कपिल ने मेरे पे ट्रस्ट रखा, इसने एक ही कोर्स मेरे से अभी किया है। सिर्फ एक कोर्स पढ़ने के बाद इस बच्चे ने मुझे एडवांस में फी पे कर दी है। किसकी फी पे कर दी है? रेमेडी कोर्स की। आज ही फी पे करी है, कह रहे सर मेरे को आपका पढ़ाने का तरीका पसंद है, आई हैव ए फुल ट्रस्ट ऑन यू। बात कर दे सर, आपने हमें तो बताया ही नहीं कोर्स का पैसा रेमेडी का, नहीं तो हम भी। मैं इसने मेरे से पर्सनली फोन करके पूछा ना, मैंने इसको फीस बताई 5711 5711। इसमें बहुत सारी टेक्निक है, इतनी टेक्निक है आप सपने में भी नहीं सोच सकते। जैसे कोई आदमी परेशान है, एक रेमेडी की टेक्निक शेयर करता हूं। आपके 10th हाउस में कौन सी राशि है? वो राशि जिस दिशा में, जिस जगह को, जिस एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करती है वहां टेल लो, देखो जीवन में चेंज आ रहा है। सिंपल, अभी क्या करा है, पैसे ही नहीं खर्चा। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक है कि कोई ये मेरे से कहे कि मेरे पास तो जहर खाने को पैसे नहीं है और मुझे अमीर बना दो, कैसे बनाओगे? बेवकूफ वाली थ्योरी नहीं। फिर मैं, आप रेखा जी जानते हैं, मैं नमांशा की टेक्निक शेयर करूंगा ना, उसमें किसको उपाय लगेगा, किसको उपाय नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, किसको कितनी देर लगेगी, वो टेक्निक शेयर करूंगा ना उसमें। जब मैं, जबकि राजीव कौशिक जी ने तो ये कहा था कि सर आप जो है 9000 से ज्यादा का रखो, क्योंकि मुझे पता आप क्या देते हो, और ये आप भी रेखा जी जानते हो, क्योंकि मेरा प्रयास होता है ज्यादा देना, कम नहीं देना। उसमें बहुत सारे सारा कोर्स किया आपका, सारा कोर्स किया आपका। हाँ, तो इसीलिए तो किया ना। अब जैसे मैंने कहा रिक्ता तिथि है, whenever you start a remedy on a rikta tithi you will get ando, zero result aayega। simple, ki dimag lagana hi nahi hai, koi kahe mujhe jaldi ameer bana do to tarika sikhaunga, paisa nahi lagna chahiye, maza wo hai। maine jab astrology shuru ki to ye sabse badi theory meri ye rahi, baba ji ki raag se jisko aaram aana hai na wo aa jayega, kehte hai na chule ki raag se aaram aa jayega, aur jise nahi aana vedanta aur polo mein nahi aana, to mere paas to wo raag hai, राख मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा। लेकिन जिस दिन मैं ये क्लास शुरू करूंगा हाथ में जल लेके कीलक कर दूंगा सभी चीजों, किसी ने भी विद्या का दुरुपयोग किया अरिष्ट उसका निश्चित है, क्योंकि मैं आपको वो विद्या दूंगा, एक ऐसा मंत्र सिखाऊंगा, किसी भी मंत्र को जागृत करने का एक मंत्र होता है, जब तक तो वो ना पता हो कोई मंत्र जागृत होगा ही नहीं, जपते रहो आप। हाउ टू टेक क्रिएट अ पावर इन द पूजा बुक, जो आपका जो धार्मिक बुक है जिसका आप पाठ कर रहे हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसे लानी है, वो विधि मैं जानता हूँ, आई गिव यू द विधि, बट मैं जिस दिन क्लास शुरू करूंगा जल लेकर के उसको किलक कर दूंगा, क्योंकि वो विद्याएं मैं जानता हूँ किलक कैसे होता है, किलक कर दूंगा कि किसी ने भी दुरुपयोग किया, क्योंकि मैं सात्विक चीज आपको हर एक हैंड ओवर करने जा रहा हूँ, जो मेरी 21 साल की तपस्या वो हैंड ओवर कर दूंगा। कई प्रकार की उसमें मंत्र शक्तियां, कई प्रकार की तंत्र शक्तियां, वो सब हैंड ओवर कर दूंगा। सर कौन सी डेट में चालू करेंगे सर आप? बस ये देखो नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाए, मैं हर एक चीज इन्वॉल्व कर रहा हूँ।
तो होली के बाद कीजिएगा ना सर, थोड़े बिजी हो जाते होली। हाँ, होली के बाद ही होगा, पहले तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है बाबा, पहले तो मेरे, फिर मुझे नाड़ी भी ड्राफ्ट करना है। अच्छा इस कोर्स का देखिए भाई, मुझे बताइए किसी को कोई और पॉइंट है तो मुझे रेज कर ले। राजीव जी आपने पॉइंट रेज किया है, राजीव कौशिक जी, राजीव कौशिक जी तो प्रणाम करने के लिए किया है बस, आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे सर धन्यवाद सर। सर 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 आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है राजीव जी, आ रही है सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। बस सर हमने हमने दीजिए। हाँ जी बोलिए सर, बस अब आशीर्वाद दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। अरे सर बिल्कुल, वो तो साथ ही हैं हम आपके, ऐसा क्यों चिंता कर रहे हैं जी सर। ये एक राजीव जी है जिन्होंने एक साथ चार कोर्स इकट्ठे करे थे, एक साथ चार कोर्स। चलिए वाइंड अप कर लेते हैं क्लास को, मेरे ख्याल किसी का कोई क्वेरी नहीं है, सो वी शुड से गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कोर्स ऑन मंडे एट 9:30 शार्प। ठीक है, ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट कुलदीप जी, गुड नाइट जी, गुड नाइट।